क्या लगता है सर जो साधु महात्मा संत दूसरों को दीक्षा दे करके और उनको जीवन जीने का सही तरीका एक मार्ग बताता है वो खुद आत्महत्या की कोशिश कैसे कर सकता है देखिए ये वैसे जांच का विषय है कि वो वाकई में आत्महत्या है या हत्या है लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है इसकी जांच बहुत गहन जांच होनी चाहिए लेकिन मुझे यहाँ एक चीज ध्यान आ रही है याद आ रही है अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ शायद हफ्ते दस दिन के बीच की ही बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि अब उत्तर प्रदेश में देखिए शासन प्रशासन कितना बढ़िया है यहाँ पे हत्या रेप और ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं अब कोई किसी को हिम्मत कर सकता है किसी लड़की को उठाने की किसी के साथ कुछ भी करने की तो जिस समय ये शायद उसी दिन जिस दिन ये बात योगी आदित्यनाथ की मैंने सुनी है मीडिया में उसी दिन नोएडा में दिन दहाड़े गाड़ी में बैठे कुछ आ, मैं तो अपराधी ही तत्व कहूंगा उन्होंने एक लड़की को अगवा किया क्या हुआ है उसके बाद में पता नहीं लेकिन ये न्यूज़ बाकायदा चैनल्स पे चल रही थी लड़की को अगवा किया तो ये दावा कि कोई उठा सकता है तो, तो सामने ही आ रहा है दूसरा कोई साधारण व्यक्ति भी अगर उसकी भी हत्या हो जाए या आत्महत्या वो करे दोनों ही जांच का विषय हो जाते हैं और यह गंभीर स्थिति हो जाती है पर यहाँ जिस तरह से नरेंद्र गिरी की हत्या या आत्महत्या का ये मामला सामने आया है और नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद है जिसमें शायद तेरह या सत्रह अखाड़े हैं उन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और पिछले कुछ समय से काफी अखाड़ा परिषद वगैरह में या साधु संत में ये जमीन वगैरह को लेके इस प्रॉपर्टी वगैरह को लेके कि आपस में जो वाद विवाद होता है झगड़े होते हैं उसको लेकर वो थोड़ा सा ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो चिंतित थे और इसको एक ठीक तरीके से करना चाहते थे कि भाई व्यवस्था जो ठीक होनी चाहिए ये स्थिति और ऐसे में ही अब उनकी जो है हत्या और आत्महत्या की बात आती है सुसाइड नोट भी आता है लेकिन एक सवाल बड़ा यहां पर है कि एक व्यक्ति जिस तरह का बताया गया जिस तरह का उनका शरीर जिस तरह की उनके उम्र और जिस स्टूल पे आ, उनका शरीर आ, मतलब जो उनके पैर वगैरह थे या ऊपर पंखे से या जिससे लटक के उन्होंने सुसाइड करना बताया गया है उससे बड़ा असंभव लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया होगा ये मेरा अपना आकलन है क्योंकि हम तो फौजदारी का वकील होने के नाते हम ये सारी चीजें जांच पड़ताल करते रहते हैं रोज इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये असंभव सा लगता है दूसरी बात यह है जो शक का एक और कारण है कि जो सुसाइड नोट है उस सुसाइड नोट पर दो डेट एक तो तेरह तारीख तेरह सितंबर और एक है बीस सितंबर। तो ये जो तेरह सितंबर काट के बीस सितंबर है ये भी एक शक पैदा करता है कि ये हत्या नहीं ये आत्महत्या नहीं बल्कि शायद हत्या है और एक और गंभीर विषय है जिसको देखने की जरूरत है कि पिछले दस सालों में तकरीबन अड़तीस इस तरह के महंतों की तथा कथित साधु संतों की या तो आप कहें सुसाइड कहें या मौत हुई है या हत्या हुई है हत्या हुई है इस तरह की मतलब दस साल में अड़तीस लोगों की और पिछले पांच साल में सत्ताईस लोगों की इस तरह से हत्या हुई और इस तरह से जो कुछ हो रहा है फसोस इस बात का है कि इनकी जांच पता नहीं किस तरह की होती है सच नहीं बाहर आ पाता इन अड़तीस में से मात्र अभी तक चार ही इस तरह की हत्याएं या आत्महत्याएं जिनके विषय में जानकारी जिनके विषय में इन्वेस्टिगेशन होकर पता लग पाया है कि यह हत्या हुई है केवल चार बाकी सबके विषय में अभी तक नहीं पता लग पाया कि क्या स्थिति है क्या नहीं है अब एक बात और चल रही सी है सीबीआई से जांच कराने की तो मेरा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि सीबीआई से जांच का मतलब यह है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे कारण होंगे कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बचाने की ये सारी प्लानिंग की जा रही है सीबीआई की जांच हत्या है कोई हत्या है कोई कह रहा तो गुरु का और शिष्य के जो साथ ही तालमेल जो नहीं बनी है उसको कैसे देख देखिए यहां पे ये मामले कई हुए हैं एक नहीं है ऐसे कई मामले हैं जहां गुरु की हत्या में शिष्य शिष्य के हाथ की जो है तरफ शक किया गया है और कई जगह निकला भी है ऐसी भी चीजें सामने आई हैं जैसे अगर आप देखें तो रामदेव और उनका वो जो है क्या लाला रामदेव और उसका वो जो एक केला है जो साथ में उनके जो गुरु हैं उन वो भी अचानक गायब हो गए थे फिर उनकी जो है एफआईआर हुई कि भैया वो गायब हो गए अचानक कहा चले गए कहा नहीं गए आज तक नहीं पता लगा तो वहां भी शक्की सुई उनकी तरफ घूमती है और भी कई ऐसे मामले हुए हैं और दरअसल है क्या देखिए इस चीज को समझने की जरूरत है ये जो सारी चीजें हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं आनंद गिरीवी और एक आद्या तिवारी और एक और तिवारी वगैरह करके है ये तीन लोग और सात लोगों पर आरोप जिस तरह का बता रहे हैं वो लगा हुआ और इनको हिरासत में लिया गया है पूछताछ उनसे जारी है बात यह है कि इतनी संपत्ति एक सन्यासी और वो करोड़ों की उसमें जो गाड़ी में चलता है जो आनंद गिरी के ऊपर आरोप लग रहे हैं या जो दिखाया जा रहा है जो आप सोशल मीडिया में उनकी वीडियोस देख रहे होंगे उनकी जो है वो आ रही हैं फोटोज आ रही हैं उन फोटोज में दस दस करोड़ की गाड़ी में एक साधु सन्यासी चला दस करोड़ की गाड़ी में लग्जरी गाड़ी में कहीं आप उसमें बड़े शानदार जो उसमें पानी के जो बोट होती हैं बहुत खूबसूरत आप उनमें जो है मौज मस्तियाँ ले रहे हैं जन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके रहने सहने के ढंग और सारी चीज़ें और आरोप भी लगते रहे हैं तो कोई तो किसी ने तो ये भी बताया कि भैया जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी कुछ जो है उन पर उसके मोलस्टेशन वगैरह के आरोप वगैरह लगे हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी कहीं ना कहीं उस बात को पुख्ता करती हैं कहीं गुरु की हत्या में शिष्य का ही तो हाथ नहीं है मैं इससे अलग हटके एक बात कहना चाहूंगा जो समझना बहुत जरूरी है जिसको जानना बहुत जरूरी है एक मिनट में वो बात खत्म करूंगा बुजुर्गों का कहना है पुराने लोग और हम क्योंकि वकालत कर रहे हैं फौजदारी की तो हमें ये सारी चीजें वाकई में समझ में भी आती हैं प्रैक्टिकल भी समझ में आ रही है कि हर अपराध के पीछे कहीं ना कहीं जड़ जोरू और जमीन यानी कि जो संपत्ति है या तो वो होगी पैसा होगा रुपया होगा जेवर वगैरह होंगे या होगा किसी महिला का हाथ म, या उसके आ, मतलब कारण में महिला होगी और या फिर होगी जमीन यहां अगर देख लें ये जो सारे मामले आ रहे हैं और इन पर बार बार जो बाहर जो अकूत संपत्ति है आप देखिए कि ये जो अखाड़े हैं सिर्फ इन अखाड़ों के जो तेरह या सत्रह अखाड़े हैं इन पर करीब पैतालीस लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है आप समझ रहे पैंतालीस लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है. केवल इन अखाड़ों पर जिसमें चाहे जून अखाड़ा हो चाहे निरंजनी अखाड़ा हो चंदिर अखाड़ा हो मतलब जिस तरह तो के भी हैं की तो कहीं ना कहीं अकूत संपत्ति इस अपराध के पीछे कारण है जरूर सर, एक सवाल ये भी है कि लगातार जब उनको जब उनकी पोस्टमार्टम होने जा रहा था उनकी बॉडी रखी गई थी पार्थिव शरीर रखा गया था तो यूपी के तमाम चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे अखिलेश यादव हो पूर्व मुख्यमंत्री या तमाम सियासी दलों के जो मुखिया हैं पहुंचे वहां पे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया तो यूपी की राजनीति में कुछ उससे प्रभाव पड़ेगा क्या कुछ मतलब उनके जाने से या वोट बैंक से कुछ देखते हैं कुछ ऐसे? नहीं मैं मानता तो, हूं कुछ ना कुछ तो पड़ेगा अब तो आपस में मिला जुला जो है इसमें मैं ये मान सकता हूं बिल्कुल कह सकता हूं कि जो पैसा है जो काला धन वगैरह है उसका भी राजनीति में बड़ा इस्तेमाल होता है अब एक चीज को आप समझिए कि इसमें जो आनंदगिरी और आ, ये नरेंद्र गिरी के बीच में जो समझौते वाली जो सारी मतलब जो झगड़ा था उसमें समझौता जो एक चल रहा था बताते हैं कि उस समझौते में एक तो आईपीएस ऑफिसर यानी एसपी रैंक का व्यक्ति उस बैठे हुआ था समझौते में अब बताइए कि पुलिस का क्या उसमें लेना देना भाई समझौते में दूसरा उसमें बैठा हुआ था एक समाजवादी पार्टी का नेता और उसमें बैठा हुआ था भाजपा का नेता तो तुम आता आप समझिए समाजवादी पार्टी का नेता भाजपा का नेता और पुलिस इनका क्या लेना देना भाई उस समय समझौते वगैरह में भाई अगर वो मठ का मसला है वो अगर अखाड़े का मसला है तो साधु संत आपस में बैठ के निपटाएं या नहीं है वो तो धर्म के वाकई में जिस तरह से लोग उन्हें मानते हैं कि सब कुछ वही करने वाले हैं तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म के उस बड़े ही मतलब आ, अटूट संबंध को सिद्ध करते हैं और ये बात को लोगों के सामने निश्चित रूप से निकल के आती है इसके माध्यम से कि भाई इनका बड़ा घालमेल है और इसमें कहीं ना कहीं ये पैसा ये जमीन ये जायजात या संपत्ति एक बहुत बड़ा कारण है